तो फ्रेंड इस समय देखिए सोशल मीडिया पे जो कांड कहीं नहीं हो रहे वो कांड बिहार में हो रहे हैं। क्यों ऐसा? शिक्षा के स्तर पे या किस आधार पर कहें कि बिहार में अति ज्यादा हो रही? अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक लड़की अपने घर से भागकर एक लड़की लड़का दिखा रहे थे, जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात को पत्रकार उन्होंने इन लोगों को इतना ज्यादा हवा दे दी है ना कि ये लोग क्राइम करने तक पे उतारू हो गए। लड़का लड़की है और उनका एक इंटरव्यू पत्रकार इतना बड़ा चढ़ा कर लोग इंटरव्यू लेते हैं, इस तरीके से इन्हें वायरल कर देते हैं कि आने वाले जो बच्चे हैं इनसे ऐसी सीख मिल रही है कि वो इस तरीके के गंद को फैलाते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? आज मुझे आपके कमेंट आपके राय की बहुत ज़रूरत है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक लड़की एक लड़का है, लड़की का कहना था 9th क्लास से मुझे इस लड़के से प्यार हुआ था और जब घर वाले नहीं माने तो हम घर से भाग कर शांति चल गए। क्या ही कहूँ, एक बहुत प्यारा कमेंट है एक भाई ने लिखा था, उसमें तो उन्हें देख के मुझे ज़रूरी लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो भाई ने लिखा था कमेंट में कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए इन लोगों के लिए कि रूह कांप उठे उन बच्चों की जो ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी गलत हरकत पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बनेगा ऐसे लोगों के लिए तो ये अपनी वाहियात हरकत से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि ये आजकल के समाज में इन बच्चों ने इतनी गंद फैला दी है, घर से भागते हैं, फिर ये किसी मीडिया कर्मी के पास जाते हैं और वो उनका इंटरव्यू लेता है, और आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से नादान बच्चे हैं जो इनसे सीख लेते हैं, जो ऐसे रास्ते पे जाते हैं। टीनेजर जो किशोरावस्था एज होती है उस समय बच्चे की सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है, उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बकाया जो हमारे गार्जियंस कह रहे हैं हमारे जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो चीज़ें गलत हैं, सबकी बात उन्हें गलत लगती है, अपने आप को ही महान मानते। तो आज इन ऐसी चीज़ों को देखते हुए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गंद फैल रही है। लड़की बहुत वीडियो बहुत कुछ बातें थी, मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो लड़की, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, वो तो था ही उसका जो लव मैरिज कपल ये ब्लॉग बना ले रहे हैं इस तरीके से, हर कोई विजय रिया जैसे नहीं होते हैं, और उतने अगर उन्होंने किया तो निभाया उस रिश्ते को, और हर बार अपनी गलती रियलाइज करते हों, हर बार उसको एक वो होता है, फील होता है, वो फील करता है वो बंदा, वो दोनों फील करते हैं हमने गलत करा ले, इतने बड़े बन चुके हों आज कि नंबर वन में ब्लॉग में बहुत टॉप में है, फिर भी वो इस चीज़ को फील करते हैं कि हमने गलत किया जो करा, कम उम्र में जो हमने करा, घर से भागकर शादी करी वो गलत करी। समाज के लिए कुछ प्रेरणा है तो कुछ ऐसे भी हैं। उस लड़की का मैं देख रही थी, एक वीडियो और आ रहा था दूसरा, दो पतियों की एक पत्नी, कहीं ना कहीं ये लोग व्यूज के लिए कुछ इस तरीके का जो लव मैरिज भक्कर सीन कर रहे हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि ये लोग जानबूझकर ये इस तरीके के वीडियो को फैला रहे हैं, या यूँ कहूँ कुछ पत्रकार अपनी पत्रकारिता का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं अपने व्यूज के चक्कर में। बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है, बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है, हमारा समाज गंदगी की तरफ जा रहा है। क्या कहूँ, इस समाज को कैसे सुधारा जाए, ये चीज़ सोचते टेंशन होता दिमाग में कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इसे रोकना चाहिए, लेकिन कैसे? कई भाइयों के कमेंट थे कि अपने माँ बाप को धोखा दे के जा रही हूँ, ज़िंदगी में धोखा पाओगी, और इसलिए होता है जो हम बीज बोते हैं वही फल बनकर हमें मिलता है, वही रिटर्न हमें मिलता है, उससे बढ़कर मिलता है, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों आपके बीच रखना बहुत ज़रूरी था, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बना के यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद।